नमस्कार मैं हूं प्रवीण गौतम दोस्तों धर्म रक्षा की राजनीति के बाजार में एक नया फॉर्मूला आया है यह आप झटका मीट की दुकान खोलकर भी धर्म की रक्षा कर सकते हैं और यह फॉर्मूला दिया है मोदी सरकार के बयान बहादुर मंत्री और दिन रात धर्म की राजनीति करने वाले गिरिराज सिंह ने जिनके नाम पर बेगूसराय में झटका मीट की दुकान खुली तो खुद विज्ञापन करने पहुंच गए यह आप देख सकते हैं गिरिराज सिंह मीट की दुकान पर विज्ञापन करने गए हैं और बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया है और साथ में ये देखिए आप विज्ञापन भी दिया है पूरा ये दुकान का आप नाम देख सकते हैं गिरिराज अमर झटका मीट मतलब मंत्री जी ने शेयर किया है मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और कहते हैं कि झटका मीट की दुकान खोलकर भी आप धर्म की राजनीति कर सकते हैं ये वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कहते हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय में कई लोगों से बात की और उन्हें झटका मीट की दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है यानी बहुत सारे बीजेपी के समर्थक जो कहते हैं कि मीट की दुकान नहीं खोलनी चाहिए मीट की दुकान बंद होनी चाहिए यहां पर मोदी सरकार के मंत्री झटका मीट की दुकान खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति भी करनी है और जीव का स्वाद भी नहीं छोड़ा जाता उसके बाद गिरिराज सिंह कहते हैं आने वाले समय में और भी झटका मीट की दुकानें खोली जाएंगी और उनका विस्तार किया जाएगा और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी दुकान का प्रचार प्रसार करूंगा अमर जी का यह कदम सराहनीय है तो धर्म रक्षा के लिए अब गिरिराज सिंह कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी झटका मीट की दुकान का प्रचार करूंगा जो धर्म रक्षा के लिए खोली जाएंगी मीट की दुकान पर जाकर क्या कहते हैं गिरिराज सिंह जरा वीडियो भी देखिए मैं झटका खाता हूँ हमारे यहाँ बली पलीपा तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब तमाम हिंदुओं से कि आप अपने धर्म की रक्षा करें लोग अपने धर्म की रक्षा करें हम अपने धर्म में झटका है हम झटका खाएंगे जिनको हलाल है वो हलाल खाए ना हम उनको मना करने जाएंगे हमारी उपलब्धता कम है तो कर कर उपलब्ध कराया है तो इनका धन्यवाद करते हैं और भी मीट की दुकान खुलेंगी तो मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रचार करने जाऊंगा मंत्री जी के इस बड़े कदम को लेकर पब्लिक क्या कहती है आप हिंदू विरोधी सनातन विरोधी कृत्य कर रहे हैं मांसाहार को प्रोत्साहित कर रहे हैं धिक्कार है ऐसे हिंदुवादी नेताओं पर जो मांस खाने को बोलते हैं आप राम का नाम लेकर इस तरह का कार्य ना करें इस तरह का नीच कार्य हिंदुओं को पतन की ओर ले जा रहा है आज आप मांस दुकान का विज्ञापन कर रहे हैं कल आप मधुशा को प्रोत्साहित करेंगे मुंह में में राम बगल मटन की दुकान तो क्या गिरिराज सिंह मीट खाएंगे झटका वाला विकास कार्यों पर फोकस कीजिए बेगूसराय की स्थिति ऐसे ही खराब है फालतू का मुद्दा है ये आपका वैसे आपको चिकन मटन ही बेचना है तो सांसद से इस्तीफा दीजिए और दुकान खोलकर बैठ जाइए उसके बाद एक और ट्विटर यूजर करते हैं दूसरा काम तुम लोगों से कहा होने वाला है अब यही सब तो बचा है करने के लिए कोई नकली हिंदू बोल रहा है कोई शेम ऑन यू सर बोल रहा है है तो इस तरह पब्लिक और खासकर जो बीजेपी का वोट बैंक है, वो भी सुना रहा है तो जो बीजेपी नेता मीट मास को लेकर सवाल उठाते हैं खान पान के नाम पर राजनीति करते हैं वो गिरिराज सिंह की इस वीडियो पर क्या कहेंगे पब्लिक सुना रही है कि सनातन धर्म की राजनीति करते हुए मीट मास का प्रचार कर रहे हैं मंत्री जी